जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के परमानेंट कमीशन में 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी ने एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच और एजुकेशन ब्रांच के लिए एलिजिबल अनमैरिड मेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए हैं। इस एंट्री के लिए आपका कोर्स जुलाई 2023 में शुरू होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, इसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसी तरह के आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इसमें आपके कुल कितने पद रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता देंगे इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 35, यानी कि 35। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये जो आपकी टोटल 35 पोस्ट है, इन 35 पोस्ट में से एजुकेशन ब्रांच में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 5 और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में आपकी पोस्ट रहेंगी 30, यानी कि 30। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 35। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 28 जनवरी 2023 से भरना शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज से, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 12 फरवरी 2023। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता देंगे इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट, यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच और एजुकेशन ब्रांच, इन सभी ब्रांचेस के लिए जो आपका जन्म 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच होना जरूरी है। अगर आपका जन्म इस पीरियड के दौरान हुआ है तो आप इन ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है। पर ध्यान रहे, ये जो आपने 12वीं पास करी इसमें आपके PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है, और आपके 12th के अंदर यानी कि आपके PCM के अंदर कम से कम 70% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपने 10th या फिर 12th क्लास में इंग्लिश के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स पे होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने JEE मेंस 2022 के लिए अपियर हुए हों। ओके, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो कि JEE मेंस 2022 के लिए अपियर हुए हों, वही कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और आपको बता दें कि ये जो आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये आपके JEE मेंस 2022 के अंदर जो आपके मार्क्स होंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, जिसके लिए आपको ईमेल या फिर आपके मोबाइल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और फिर वो कैंडिडेट्स जो कि एसएसबी इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर कर लेंगे तो फिर उनका आगे फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ये आपकी मेरिट लिस्ट आपके एसएसबी के अंदर जो मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 12 फरवरी 2023। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी के परमानेंट कमीशन में 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।